सुप्रीम कोर्ट ने तिस्ता शीतलवाड़ा को दी अंतरिम जमानत, कहा जांच में सहयोग करें। अहमदाबाद पुलिस टीम ने तिस्ता शीतलवाड़ा को उनकी एनजीओ से जुड़े मामले में 25 जून को गिरफ्तार किया था। श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ी, जमानत याचिका खारिज, पुलिस ने 3 और नए मामलों की दी जानकारी। महिला से अभद्रता मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, कोर्ट ने अब जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। हेरात की मस्जिद के बाहर जोरदार धमाका, तालिबान समर्थित इमाम समेत कई नागरिकों की मौत। अफगानिस्तान के हेरात शहर में एक मस्जिद के बाहर जोरदार धमाका, मस्जिद के इमाम समेत कई लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में हिंदू सिख के नरसंहार की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 1989 से 2003 के बीच जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिख के नरसंहार की एसआईटी जांच की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह केंद्र सरकार को इसके लिए ज्ञापन दें। एनसीआरबी के आंकड़ों पर गहलोत की सफाई, महिलाओं के खिलाफ अपराध के आधे से अधिक केस झूठे, बीजेपी लोगों को उकसा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि दुष्कर्म के 56% मामले फर्जी आए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रेप के केस इसलिए बढ़े हुए दिखाई देते हैं क्योंकि हमारे थानों में यहाँ FIR की सुविधा है।